हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। होप आप हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंड्रू गाइड एंजॉय कर रहे हैं और बहुत से वीडियोस देख रहे हैं। तो आज का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर वाला जो सेशन आपके सामने लेकर आए हैं, इस सेशन के अंदर आप देखेंगे बहुत से मिस्टेक्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज क्या मिस्टेक्स हम करते हैं इन डॉक्टर्स चैम्बर, कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं व्हाइल डिटेलिंग, उन गलतियों को अगर हम थोड़ा सा नोटिस कर लें तो हम अपनी डिटेलिंग को बहुत ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास आए हैं और किस तरीके से आकर ये बैठ रहे हैं, और थोड़ा सा हम इस एंगल को देखेंगे ताकि स्टूडेंट समझ पाए कि क्या क्या मिस्टेक्स एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो लेट अस सी दिस डेमो दैट व्हाट मिस्टेक्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर मेकिंग। सो मिस्टर हिमांशु, यू कैन स्टार्ट। मैं कम इन मैम। यस, you have seen here medical representative has taken his seat without asking। Himanshu, isko sahi kar sakte ho aap? Kya mistake hoti hai? Yes sir, zara bataiye ki hum jab baithe the to hame kis tarike se doctor ke sath samne baithna chahiye। Good evening ma'am। Good evening, may I take my seat? Yes, very good, this is the right way। Ab hum next mistake dekhte hain। Go ahead with your next mistake। सी स्टूडेंट्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहां प्लेस कर रहे हैं अपने विजिलेंट को और पेन किस तरीके से ढूंढ रहे हैं। पेन हमेशा अपर पॉकेट में हो और कभी भी आप डॉक्टर के चैंबर पर यानी कि डॉक्टर की टेबल पर कभी भी विजिलेंट नहीं रखें। तो हिमांशु, मैं चाहता हूं इस मिस्टेक को आप करेक्ट करके भी दिखाएं। एक बार इस विजिलेंट को वापस आप बैग में रखिए और एक्यूरेट वे दिखाइए कि बेस्ट वे क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पेन अपनी अपर पॉकेट में रखना है। Good evening ma'am, I am Himanshu from Everest Nutricare, from Everest Nutricare। Very good, this is the best way। देखिए students की doctor के chamber या doctor की table को medical representative ने वहाँ पर visualate नहीं रखा और अपने hands के support में रखा। दूसरा जो pen जो marker वो लेकर आए upper pocket के अंदर रखा ताकि easily वो उसे बाहर निकाल पाए और easily अपनी detailing शुरू कर पाए। This is the best and accurate way। I want आप ये दिखाइए कि medical representative जो detailing करते हैं तो क्या-क्या mistakes करते हैं। Good morning ma'am, I'm Iman from Everest Nutricare। Please describe the cognitive Batten 16। Please describe the Batten 16। Please describe the Flutio nap nasal spray। Please describe the Xylene, Xylometazoline। Please describe the Evex। तो आप देख रहे हैं कि ओनली ब्रांड नेम्स आर कमिंग और इनिशियल स्टेज पर सिर्फ कंपनी का नाम लिया गया और कोई रिगार्ड्स नहीं डॉक्टर को। तो हिमांशु, अब मैं चाहता हूं कि आप एक्यूरेट वे दिखाइए कि एक्यूरेट वे डिटेलिंग का क्या होता है। एक बार दोबारा परफॉर्म कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम हिमांशु फ्रॉम एवलेस्ट न्यूट्रागेज एंड न्यू रे फॉर द इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर। When your patient hearing unnecessary sound ringing, clicking, buzzing every day, every time, non-stopably, continuously, restore the sound of silence, please describe the cognitive paracetam, ginkgo biloba, vinblastine for tinnitus and many disease, and balance move the balance life for, please describe the cognitive Very paracetam, ginkgo biloba. This is the right and appropriate way। आप हिमांशु बुक एक बार अपने विजुलेट को बंद कीजिए। अब ये देखिए, इसमें आपने कंपनी का नाम नहीं लिया, सिर्फ आपने कंपनी की तरफ से कंप्लीट रिगार्ड्स दिया और उसके बाद जब आप विजुलेट की तरफ गए तो आपने विजुलेट को अच्छे से डिटेल किया। मींस डॉक्टर को सारे फीचर, सारी बातें बताई कि क्या क्या इंडिकेशंस के अंदर ये प्रोडक्ट हमारे यूज हो सकते हैं। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, जब हम डॉक्टर को डिटेलिंग कर देते हैं तो उसके बाद बहुत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टर को कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारा प्रोडक्ट नहीं लिखा। आप देखिए, कंप्लेन करने का प्रोफेशनल तरीका अगर हमें नहीं आता है, पॉलिश और प्रोफेशनल वे नहीं आता है, देन देयर वुड बी अ बिग मिस्टेक। तो अगर हम प्रोफेशनली साउंड नहीं है तो हम डॉक्टर को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मिस्टर हिमांशु, मैं पहले यह चाहता हूं कि डिटेलिंग के बाद बहुत से जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने नहीं लिखा या कुछ भी, तो गलत वे क्या है पहले ये दिखाइए। मैडम, आपने लिखा ही नहीं, आपने बोला था, मैंने अवेलेबल भी करा था, केमिस्ट मुझसे लड़ रहा था, प्लीज लिखना मैडम, ये वहां अवेलेबल है अभी। तो ये था एक रॉन्ग वे जिसके अंदर द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज कंप्लेनिंग कि डॉक्टर साहब लिखा ही नहीं आपने, इट इज अ रॉन्ग वे। तो मिस्टर हिमांशु, एक प्रोफेशनल वे क्या होगा जब हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे या कंप्लेन करेंगे? तो
मैडम आपने प्रॉमिस किया था ये शॉर्ट आपको अच्छा भी लगा था, शायद मेरी गलती की वजह से आपने नहीं लिखा, आपकी परमिशन हो तो मैं कल रिमाइंडर लगा दूंगा। सो फ्रेंड्स अब हम नोटिस करेंगे कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब डॉक्टर से फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट के लिए तो क्या मिस्टेक करते हैं, किस तरीके से उनकी रिक्वेस्ट जिसे हम ये कह सकते हैं जो प्रोफेशनली साउंड नहीं होती। तो मिस्टर हिमांशु आप एक नॉन प्रोफेशनल रिक्वेस्ट करके दिखाइए। प्लीज ये अवेलेबल है मैम, प्लीज़ लिख देना सर, मेरे मैनेजर मुझसे बार बार कहता है एक प्रोडक्ट भी नहीं बिच रहा, तो प्लीज़ आप लिख देना मैडम, प्लीज़ लिख देना आप। तो ये एक रॉन्ग वे है, इट इज़ अ रॉन्ग वे। तो मिस्टर हिमांशु एक राइट और एक्यूरेट वे क्या है रिक्वेस्ट का? प्लीज़ उसका बेटिन 16 मैम इज़ अवेलेबल ऑन डैश ज्योति मेडिकल, आई नीड योर सपोर्ट मैम, प्लीज़ प्रिस्क्राइब बेटिन 16, थैंक यू मैम। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, लास्ट की जो फाइनल बॉडी लैंग्वेज रहती है डॉक्टर की चैम्बर में वो क्या रहनी चाहिए और हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हिमांशु से कि रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज क्या होती है जो प्रभावित करेगा आपकी डिटेलिंग को और अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। तो मैं हिमांशु से चाहूंगा कि रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज में कॉपरेट करें और दिखाएं कि क्या गलती मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करते हैं ड्यूरिंग व्हाइल गोइंग और एग्जिटिंग फ्रॉम द चैम्बर। बाय मैडम। ये देखिए बस रुकिए मिस्टर हिमांशु, अब देखिए यहाँ पर हिमांशु जब खड़े हुए तो उस समय इन्होंने चेयर को डायरेक्ट पीछे किया और चले गए। अब चेयर का जो पैटर्न है वो ये है, हम देख रहे हैं कि ये गलत इंप्रेशन है, तो सही क्या है? तो मिस्टर हिमांशु वापस मैं चाहता हूँ आप बैठिए और एक बार इस परफॉर्मेंस को आप दोबारा करके दिखाइए कि बेस्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या ये कहीं प्रोफेशनली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से चैम्बर से बाहर जाएंगे। थैंक यू मैम, कंटिन्यू योर सपोर्ट। That's a right and professional sound. Very good. Stop, please. बहुत बढ़िया. This is a right and the best body language Mr. Himanshu has performed. Keep it up. बहुत बढ़िया. So I hope हमारे students ने बहुत सी body language देखी यहाँ पर. Accurate way क्या है बैठने का, आने का और क्या medical representative mistakes करते हैं और क्या mistakes उन्हें नहीं करनी चाहिए. Very good. Keep it up. So Mr. Himanshu मैं चाहूँगा आप कोई भी एक या दो product की बढ़िया से detailing करके दिखाएं ताकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉलेज हो कि डिटेलिंग का बेस्ट परफॉर्म क्या रहता है। तो यू कैन स्टार्ट। गुड इवनिंग मैम, आई एम हिमांशु फ्रॉम एवलेश न्यूट्रा केयर, रिस्टोर द न्यू ए न्यूरे फॉर द इम्प्रूविंग हेल्थ केयर। प्लीज सब्सक्राइब द एविथ्रो एजिथ्रोमाइसिन 250 mg टेबलेट, यू कैन बी टेकन ऑफ विदाउट एंड विद फूड। प्लीज स्टॉप द टफ इन्फेक्शन, प्लीज सिफेस 200 mg टेबलेट, सिफेक्सिन 200 mg एंड ओरल द थर्ड रिजनरेशन। Please prescribe the Cifex 200 mg tablet. इसका प्राइस कितना है? 120 rupees 10 tablet. Okay. Is it available? Yes, ma'am. It is available on Jyoti Medical. Okay.